पहले ना ये चार चलती थी, उसके बाद से जो अब ये तीन चल रही, एक बंद है, इसी तरह से सबका यही हाल है। अभी नोटबंदी से पहले हर घर में, मेरे घर में भी दो लगी हुई थी, अब एक मैंने फाड़ के रख दी, एक लगी थी। पूरी बुनाई पूरा काम नहीं मिल पाता हमें, परेशान है हम, जीएसटी की वजह से जब इन्हें रेट मिलने का हमें कहाँ से मिलेगा, 50 पैसे पीस कम मिलता है हमें भी। कुछ लोग बाहर जाए काम करने के लिए, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, ऐसे मजदूरी करते हैं। जब से ये नोटबंदी हुई, पहले तो नोटबंदी में बैंक को माल दे रहे, 8-8 दिन में 6-6 दिन में थोड़े थोड़े दो हज़ार रुपये दे में थे, उसमें बड़ी दिक्कत हुई। अब उससे निकले, अब ये GST लागू होगी। GST के लिए हमारे पास पहली बात तो इतना साधन नहीं है कि हम GST ले लें। भाड़ा खड्डी थी, बंद कर दिया, क्या करें जब पड़ता नहीं आता। कच्चे माल का तो भाव है वो का वही, पीस पर रेट गिर गया, इसलिए बंदी कर दिया। अपनी मजदूरी करने लगे, 2-3 खड्डी चला रखी है हमने। 60% आदमी इसके अंदर, ये गरीब तबका फैल हो गया। हमारा काम 95% खत्म हो चुका, 95% खत्म हो गया, 50% तो हो गए थे GST से, नोटबंदी से। फिर GST लगने के बाद में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मार्केट में रेट नहीं है, कम से कम 200 आदमी हमारे यहाँ से चले गए। हमारी कम से कम भी पहले 20-25 के करीब चल रही थी, अब क्या है कि 10 भी नहीं चल रही। लेकिन जब से GST लगी है हम काम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो बचत नहीं आ रही, हमारी दिहाड़ी सही नहीं निकल रही है। वहाँ से लाने में GST, माल को जब यहाँ से जाएगा वहाँ उस पर भी GST है। जो मैंने 5 लगाई थी, 5 फिलहाल बंदी है जी, इस GST कारण ही। बस लोन के लिए गए थे जी बैंक में, मैनेजर भी कहता है कि हमारे पास लोन ले है ना, लोन नहीं है, हमारा बैंक घाटे में चल रहा है, तो इससे मतलब थोड़ी हमको अगर सरकार से या फिर बैंक से कुछ हेल्प मिल जाती तो वो भी हमारे हमको हेल्प नहीं मिल सकती। जी इसने भी बुनकर के काम पे लोन रखा ना, इस नोटबंदी में भी लोग बर्बाद हो चुके, कोई भी मेरे हिसाब से तो लोन छुटता नहीं कर पाता। GST लगने के बाद में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम बन गई कि कोई तो मांगता है कच्चे में माल, कोई पक्के में मांगता है। अब हम कच्चे में पक्के में ला के कच्चे में कैसे दे दें, तो ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। माल स्टॉक पे स्टॉक लग गई, कोई लेने वाला नहीं है किसी रेट में भी। जिस का 45 रुपये का रेट था, जो 35 रुपये का भी बिक नहीं रहा मार्केट में। जब हम काम करते थे 300-350 का, अब हमारा काम होता है 250 का उतने पीस में। GST और नोटबंदी में हमारा जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है कि काम ख़त्म मान के चलो कि ख़त्म हो चुका काम, 95% काम ख़त्म है। अगर मोदी जी ये काम ना करते तो मतलब गरीब आदमी अच्छे से रोटी खाना खा रहे थे, अब मतलब रोटी खाने में बहुत मुश्किल होती है, महंगाई इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर हो जाएंगे।